हेलो सलकुम गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मेरा नाम मुजफ्फर है, मेरे साथ मुजम्मिल। तो आज हम के पॉप्स के टॉप 100 सॉन्ग सुनने लगे हैं ऑल टाइम, जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर सबसे ज़्यादा व्यूज़ लिए हैं। तो देखते हैं कि इनके अंदर जो फर्स्ट के ऊपर टॉप 10 के अंदर, तो मेरे ख्याल से BTS के ज़्यादातर सॉन्ग्स होंगे ही, जहाँ तक मेरा ख्याल है। BTS के और ब्लैक पिंक के जो सॉन्ग्स हैं काफ़ी अमेजिंग किस्म के, उनकी मैंने व्यूअरशिप चेक किया तो काफ़ी ज़्यादा व्यूअरशिप है। तो ये मेरे ख्याल से टॉप 100 का जो है पार्ट्स होंगे। तो हमने अब देखना ये है कि टॉप 1, 2, 3 और यानी कि टॉप 10 के जो सॉन्ग्स हैं उनके अंदर कौन कौन से बीच में सॉन्ग आ रहे हैं BTS के और ब्लैक पिंक के। तो इसके अलावा और भी हमें इसके अंदर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि के पॉप्स के बाकी जो म्यूजिशियन हैं उनकी उनके सॉन्ग्स वगैरह हमें देखने के लिए मिलेंगे, और कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं उनके सॉन्ग जो हैं उनके कितनी व्यूअरशिप है उसके बारे में पता लगेगा। तो इससे पहले ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें। चलें स्टार्ट करते हैं। ब्लैक पिंक का 100 के ऊपर 9 मिलियन से ऊपर इसके व्यूज़ हैं। बूम बैया 99 को वो जीसो का सॉन्ग है, डोंट नो व्हाट टू डू, 9,234,000 के व्यूज हैं इसके ऊपर। जीमन BTS ये लाइव परफॉर्मेंस का मेरे ख्याल से 2014 जीमन का 9,314,000 314,000 विंग्स रोज ब्लैक पिंक समवन यू लव 9,349,000 ये कौन है? आई जियोंग ए ओ ए इनका भी ये लगा है, ये निहाला ग्रुप है। सोगा लाइक जीनी ब्लैक पिंक जे पार काफी सारे ग्रुप्स हैं यार के पॉप्स के। जीसो ये सॉन्ग मैंने सुना हुआ है, याद है काफी टाइम पहले इस सॉन्ग को सुना था। हेलो विनस यू योंग विंगल विंगल सियोला लव शॉट ये लीजा का वेला तकरीबन 10 मिलियन के पास पहुंचने वाले, 88 के पास पहुंच गए। लव लीजा ब्लैक पिंक 9,883,000 न्यू ब्लैक पिंक हाउ यू लाइक दैट ये भी सॉन्ग सुना हुआ है। टेन मिलियन के ऊपर चला गया। मेरा 3-4 ग्रुप तो आ चुके हैं बीच में, जिसमें ज़्यादा ब्लैक पिंक के और
BTS के थे। Are you day? Was Friday. 10 million 100k. BTS. Taeyong. Vika. Spine break. Black Rose. Gone. $10,190,000. Jungkook. Spring Day. BTS. ये भी हमने सॉन्ग नहीं सुना हुआ इसका BTS का। स्टेज परफॉर्मेंस है, लाइव परफॉर्म किया ये सुना हुआ है। आइडिया वेरी गुड। ग्रीन एप्पल 10,360,000। बॉय विल लव, ये भी सॉन्ग सुना हुआ है, काफी बार सुना है इस सॉन्ग को। यार ये इतना पीछे है। रानिया मेक मिया ओल्ड टाउन रोड वी के काफी ज्यादा सॉन्ग आ गए मेरे ख्याल से, 3-4 हो चुके हैं। परमिशन टू डांस $10,000,000। ब्लैक सॉन्ग ये भी सुना हुआ सॉन्ग। As is if you are lost, ये सॉन्ग नहीं सुना, ये सुना हुआ है। Don't know what to do, जीने का। Twins, Neon, 10,829,000. ये भी सुना हुआ DNA, 10,866,000 इसकी व्यूअरशिप है। Rose, Kill This Love. ये सुना सॉन्ग मॉमलैंड का। 11,160,000 बढ़िया। ये सॉन्ग नहीं सुना हुआ जिसो ने गाया। परमिशन टू डांस मेरे ख्याल से वी के को 10 सॉन्ग आ चुके हैं। बॉय विल लव ये भी सुना हुआ सॉन्ग। मेलो मेलो वेरी गुड है।
ये भी नहीं सॉन्ग सुना हुआ। डीएनए जिमेन ऑन स्टेप ब्लैक विंटर जीने बेस्ट पार्ट 11 मिलियन के करीब 11 मिलियन 9 के वाओ ब्यूटीफुल फेक लव ये भी सुना हुआ है जोंगकॉक की वर्षन बटर ये तो लास्ट ईयर सॉन्ग आया था क्या कमाल का सॉन्ग है यार ये भी सोनी पथ के 12 मिलियन जोंगकॉक सॉरी इसमें बहुत सारे सॉन्ग ऐसे हैं जो सुने नहीं है गोल्ड बॉय एक ही सॉन्ग को डिफरेंट से दीवाना बीटीएस के मेंबर ने सिंगिंग की है ये भी ये सुना हुआ है स्टेज परफॉर्मेंस क्या बात है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ये भी सॉन्ग सुनो आइडल ये भी सॉन्ग सुना है लीजा का जोंगकॉक ये पहले गया फेक लव है ये मुतलुट सिंगर्स ने गाया है फिर उसके अलावा ये भी ना स्टेज परफॉर्मेंस जो है इसके अलावा जो रिकॉर्डिंग उसके ऊपर व्यूअरशिप कितनी है वो हिसाब देख रहे हैं अब डीएनए सॉन्ग ये पहले भी आया है सुविला नहीं सुना सॉन्ग लीजा का 14 मिलियन के करीब इसके व्यू हैं अब मैंने ऑन सॉन्ग भी नहीं सुना हुआ बीटीएस का जी परफेक्ट मैन नहीं सुना हुआ ये भी 14 मिलियन
ब्लैकपिंक के भी काफी व्यूज हैं यार, बड़ी व्यूअरशिप है। ब्लैकपिंक भी बीटीएस के पीछे पीछे ही चल रही है। लाइक 15 मिलियन व्यू। बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है ये तो। पाइड पेपर ये भी नहीं सुना हुआ। 15 मिलियन प्लस व्यूअर्स के फिर ले सुनाओ। बी बूम बी बूम मोमलैंड Feel this love, rose. Wow. ये काफी एक सॉन्ग लगता है दी बॉम नेचले मोमलैंड का जो सोलो स्टेज ये मैं सुना हुआ है सॉन्ग। 18 मिलियन के पास व्यू है। स्टैंड अप फॉर लव एली हैवी कंपटीशन चल रहा है केपॉप के अंदर। फील दिस लव ट्वेंटी मिलियन के करीब इनके लिए। समवन योर लव रोज जे पार्क ये मेरा इसका सेकंड सॉन्ग है। वाओ वंस अगेन बी बूम क्या बात है, क्या जबरदस्त किस्म का डांस है। टेक मी लीजा 20 मिलियन प्लस व्यूज है इसके। ट्वेंटी टू मिलियन के पास पहुंच गए हैं। वाओ ब्यूटीफुल अमेजिंग डांस बड़ा कमाल का था। ये ऑन जो सॉन्ग है ये मुझे बीटीएस का काफी फेमस सॉन्ग लग रहा है। रिपीट बाय मैं तीसरी चौथी बार आ गया। जीनी सोलो सुना हुआ है सॉन्ग। 23 मिलियन इसके लिए। एमसी डॉप ये भी सॉन्ग सुना हुआ है। 25 मिलियन टॉप 8। ब्लैकपिंक का एक सॉन्ग आया है टॉप 10 के अंदर।
सेकंड सॉन्ग आ गया है लीजा टेक मी 29 मिलियन व्यूज। निशा सूजे लव सॉन्ग 30 मिलियन। नंबर सिक्स पे है बीटीएस जोंग फेक लव, बड़ा प्यारा सॉन्ग आ गया फेक लव 24 मिलियन। नंबर पांच बनता है इसका एक्सिड अप डाउन 36 मिलियन। बॉय विल लव 3 पे 60 मिलियन व्यूज है जोंगकॉक का। जिमन फेक लव 106 मिलियन 107 मिलियन लगा लो फेक लव। दूसरी नंबर टू पे है BTS का नंबर वन का सॉन्ग है 138 मिलियन। जी गाइज हमने BTS के सॉन्ग सुने हैं, इसके अंदर से काफ़ी सारे सॉन्ग्स मिसिंग थे। मुझे ऐसे लगता है कि वो टॉप 100 का हिस्सा नहीं बन सके। ये 2022 तक था, यानी कि दो पिछले साल की जो बीच में व्यूअरशिप ली गई है। इसके अंदर BTS के मेरे ख्याल से 3 सॉन्ग जो थे टॉप 1, 2, 3 के अंदर शामिल थे। उसके अंदर फेक लव था मेरे ख्याल से, और उसके अलावा जो नंबर 1 पे था वो वी का सॉन्ग था। तो इसके अलावा ब्लैक पिंक के टॉप 10 के अंदर सॉन्ग जो थे मेरे ख्याल से टू सॉन्ग जो थे ब्लैक पिंक के बीच में आए हैं। तो इसके अंदर तो काफ़ी सारे ऐसे हमने ग्रुप्स देखे हैं जिनको हमने ऑलरेडी पहले कभी सुना भी नहीं है, उनके सॉन्ग्स भी नहीं सुने, लेकिन वो टॉप 10 की 10 तक हमें ऐसे सॉन्ग देखने में नज़र आए हैं। तो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है के पॉप जो है। तो हम तो ज़्यादातर BTS को और ब्लैक पिंक को ही जानते हैं जहाँ तक हम इन्हीं की वीडियोस को पर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हम इनको काफ़ी पसंद करते हैं। और इसके अलावा जो था मोमलैंड के हमने कुछ सॉन्ग सुने हैं, उनके ऊपर भी हमने रिएक्ट किया हुआ है, उनके कुछ सॉन्ग हमने सुने हुए हैं, कुछ टिकटॉक वीडियोस उनकी देखी हुई हैं। तो इसलिए यानी कि जो मोमलैंड है उसको भी हम जानते हैं क्योंकि उसके हमने कुछ सॉन्ग सुने हैं। तो काफ़ी ओल्ड टाइम से हम इनके सॉन्ग सुन रहे हैं बीच में। तो ब्लैक पिंक और BTS के तो हम लेटेस्टली जो काफ़ी सॉन्ग हमने सुने हैं, तो काफ़ी अमेजिंग और ज़बरदस्त किस्म के इनके सॉन्ग होते हैं। तो ये जो टॉप 100 लिस्ट बनाई हुई थी इसके अंदर लास्ट के जो 10 थे उनके अंदर ही BTS और ब्लैक पिंक के काफ़ी सारे सॉन्ग थे। ओवरऑल देखा जाए तो इनकी ओवरऑल एवरेज में जो थे ना इनके सॉन्ग ज़्यादा थे BTS के और ब्लैक पिंक के। तो BTS जो था वो लीड कर रहा था नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सॉन्ग जो तीनों सॉन्ग्स BTS। बाकी मुजम्मर से पूछते हैं टॉप 100 सॉन्ग की जो लिस्ट देखी है इसके अंदर ज़रा सॉन्ग जो है BTS के ही देखने को नज़र आए हैं, और जो ब्लैक पिंक है मतलब कि उसने काफ़ी कंपटीशन किया, उसके भी मतलब कि सॉन्ग ज़्यादातर देखने में हमें नज़र आया टॉप 100 लिस्ट में। टॉप 100 असल में इनका ही सही मुकाबला इनका ही चल रहा है बीच में जो है। हाँ, और नंबर 1 पे वी का सॉन्ग रहा है। फैन फॉलोइंग भी इन्हीं दो ग्रुप्स की ज़्यादा है, और गर्ल्स के अंदर ब्लैक पिंक की और बॉयज़ के अंदर BTS की। तो बाकी भी अच्छे सॉन्ग्स थे जो बाकी जो हमने यानी कि बीच में देखने के लिए मिले हैं, लेकिन हमने उनके सॉन्ग सुने नहीं हुए तो इसलिए उस बारे में हम ज़्यादा कह नहीं सकते, क्योंकि हमने उनकी परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर छोटा सा क्लिप देखा है तो इतने क्लिप्स के अंदर पता तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी अच्छी जितने मूवमेंट्स बीच में दिखाए गए हैं ज़बरदस्त किस्म के मूवमेंट्स थे, डांस और सिंगिंग ज़बरदस्त थी। तो ये लाइव परफॉर्मेंस के ज़्यादा मूवमेंट्स है। इसके अंदर जो क्या कहते हैं ऑफिशियल सॉन्ग है ना उसको बीच में इंक्लूड नहीं किया गया, यानी कि ओनली लाइव परफॉर्मेंस के जो सॉन्ग थे ना उनको बीच में रखा गया है जहाँ पर इनका कंपटीशन किया गया। तो बाकी वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट्स बॉक्स में बताना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।